कॉमर्स क्लासेस में मैं कुलदीप जांगिड़ आपका स्वागत करता हूँ। आज देखने जा रहे हैं स्टेटिस्टिक्स पार्ट वन देखा था जिसके अंदर अपन ने देखा था मीडियन। ओके आज देखने जा रहे हैं इसका पार्ट टू मोड नहीं देखेंगे अपन देखेंगे मीन। पार्ट टू क्या देखेंगे? मीन देखेंगे जिसे हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य। सिंबल होता है इसका एक्स बार, ये इसका सिंबल होता है एक्स बार, ठीक है ना। समांतर माध्य देखेंगे, समांतर माध्य अगर अलग अलग सीरीज में आप देखो, अगर अलग अलग सीरीज में आप देखो तो समांतर माध्य में सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। चेक कर लेते हैं एक बार, कैमरामैन साहब देख लीजिए फॉन्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या थोड़ा और बड़े लिखने की रिक्वायरमेंट है। ओके इंडिविजुअल सीरीज जिसके अंदर केवल आपको डेटास गिवन होते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है, उसके अंदर अगर आपको समांतर माध्य निकालना है, इसके अंदर समांतर माध्य निकालना है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक्स बार का। एक्स बार का फॉर्मूला लगाएंगे तो सिग्मा एक्स अपॉन में एन। अब ये सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा एक्स क्या है तो आपको देखो एक सिंपल सी सीरीज दे रखी होगी, उस सीरीज को आपको फॉलो करना है। सीरीज दे रखी होगी आपको जैसे 3, 4, 5, 6, ये आपको डेटा दे दिए। अगर इन चार डेटा का आपको एक्स बार निकालना है तो आप किस तरीके से निकालोगे? काउंट करेंगे 3, 4, 7, 7 and 5, 12, 12 and 6, 18, 18, इसे कहेंगे अपन सिग्मा एक्स। इनका टोटल क्या कहलाएगा? सिग्मा एक्स कहलाएगा। सिग्मा एक्स इनकी टोटल कहलाएगी। कितनी संख्या है? 1, 2, 3 और 4। तो एक्स बार अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 18 divided by 4, ये इसका एक्स बार कहलाएगा। कैलकुलेटर आपके पास में है, 18 divided by 4 कर लीजिएगा आप। ओके फिर डिस्क्रीट खंडित श्रेणी, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। खंडित श्रेणी के अंदर, खंडित श्रेणी क्या होती है? जिसके अंदर अपने को डेटास के साथ साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार वो संख्या रिपीट हुई है। जैसे अगर यही डेटा लें 3, 4, 5, 6, ये एक्स, इनकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 1, 2, 2, 2। ओके इनकी फ्रीक्वेंसी अपने को दे दी, इनकी टोटल 18 है, कोई रोल नहीं है। जब भी अपने को फ्रीक्वेंसी दे दी गई है तो आप क्या करोगे? डिस्क्रीट सीरीज के अंदर x और f दे दी अपने को, मल्टीप्लाई करेंगे अपन, क्या निकालेंगे? fx निकालेंगे। मीन के अंदर समांतर माध्य में खंडित श्रेणी में आपको fx निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना आपको fx निकालना पड़ेगा। 3, 8, 10 और 12, काउंट करेंगे 12 और 10 22 और 8 30 और 3 33, टोटल आ गई सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया? 33। इनकी अगर काउंटिंग करें 7, इसका फॉर्मूला क्या होता है? खंडित श्रेणी में एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स है 33 divided by 7, ये कहलाएगा आपका समांतर माध्य डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है। फिर आता है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है? जिसके अंदर ग्रुप दे रखा होता है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ये ग्रुप दे दिया जिसे आप एक्स बोलते हो। तो जब भी आपको समांतर माध्य निकालना है, जब भी आपको मीन निकालना है तो जो ग्रुप दे रखे हैं उसकी आपको मिड वैल्यू चाहिए, मिड वैल्यू चाहिए। ग्रुप की आपको क्या चाहिए? मिड वैल्यू, लोअर लिमिट
प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा 2.5, यहाँ आएगा 7.5, यहाँ आएगा 12.5 और यहाँ आएगा 17.5। ओके, ये मिड वैल्यू, मिड वैल्यू निकाल ली। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, यही से अगर फ्रीक्वेंसी माने तो ये हो गया आपका x। अब ये बन गई ना खंडित श्रेणी, बन गई x f। क्या करना है आगे, एफ एक्स निकालना है, इसकी टोटल करनी है और n की टोटल कितनी है, n, ये n कहलाएगा 7, एफ एक्स अपॉन में 7। x बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे भी, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में n, ये n और ये एफ एक्स। ओके, ये देखा अपन ने समांतर माध्य। अगेन रिपीट कर देता हूँ, इंडिविजुअल डिस्क्रिट और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल में सिग्मा एफ एक्स अपॉन में n, डिस्क्रीट सीरीज में सिग्मा, इंडिविजुअल में है सिग्मा एक्स अपॉन में n, डिस्क्रीट में सिग्मा एफ एक्स अपॉन में n और कंटिन्यूअस में है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में n। कंटिन्यूअस ग्रुप दे रखा होता है, डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ठीक है, ये था अपना पार्ट वन में था मीडियन देखा था, ये था अपना पार्ट टू जिसके अंदर अपन ने मीन देखा है, अगला पार्ट थ्री जिसके अंदर अपन मोड देखेंगे। हमारे ये वीडियोस कंटिन्यूअसली देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, व्यूज कीजिए, कमेंट दीजिए, और अगर ये नोट्स आपको लेने हैं तो मेरिडियन राइज हमारी प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल सकती है, ये नोट्स मिल जाएंगे सारे। धन्यवाद।